हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीएमआर 2022 के पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी ए हमने ऑलरेडी रिलीज कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड विद इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स या फिर आरई सिस्टम। देखिए, आरई सिस्टम जो होता है इट इन्वॉल्व्स द सेल्स ऑफ मोनोसाइट लीनिएज परफॉर्मिंग फेगोसाइट्स। अब एक हिस्टोप्लाज्मा जो कैप्सुलेटम जो फंगस है ये अफेक्ट करते हैं हमारे लंग के रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स को। ठीक है, अगर एक पर्सन इनहेल कर लेता है कॉनिडिया ऑफ दिस फंजाई तो फिर इससे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है एंड देन हमारा जो आरई सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन। द एक्स फैक्टर एंड द वी फैक्टर या फाइव फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर विच जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। एक्स फैक्टर क्या होता है, हीम ऑफ द ब्लड, एंड फाइव फैक्टर क्या होता है, एनईडी। दीज आर द न्यूट्रिशन विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको इन दोनों चीजों की ही जरूरत होती है, एक्स फैक्टर की भी और फाइव फैक्टर की भी, यानी हीम की भी और आपके एनईडी की भी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन टू। ऑटो इन्फेक्शन इज सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच पैरासाइट, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम टीनियसोलियम नेक्टर अमेरिकन्स या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पहले तो समझते हैं ऑटो इन्फेक्शन होता क्या है। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है कि जनरली ऐसे पैरासाइट जिनकी लाइफ साइकिल में एक या एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, ठीक है, और अगर एक होस्ट ऑटो इन्फेक्ट हो जाए यानी कि इन्फेक्शन जो है उसके अंदर दूसरे होस्ट के थ्रू ना आके खुद ही डायरेक्ट होस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं। जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ टीनियसोलियम, जो ह्यूमन है वो एक होस्ट है और एक आपका पिग होस्ट है। ठीक है, जब ह्यूमन जो है इसके इन्फेक्टेड एग्स या फिर इन्फेक्टेड जो स्टेजेस है उनको रिलीज कर देता है थ्रू फीकस, तो वो जाते हैं किसमें, सॉइल में कंटेमिनेशन के लिए। अब वो सॉइल को हमारा अगर पिग खाता है और उस पिग को अगर हम खाते हैं तो वो एक नेचुरल इन्फेक्शन साइकिल है। बट अगर इसी सॉइल के इन्फेक्शन से जो वेजिटेबल पैदा हुई है उनको हम खा लेते हैं तो हम फिर से डायरेक्ट खुद ही इन्फेक्ट हो गए ना, यानी ह्यूमन इज इन्फेक्टिंग अनदर ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इन्फेक्शन, राइट। सो ऑटो इन्फेक्शन इज ऑफन सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, टीनियसोलियम या फिर टेपवॉर्म। स्टरलाइजेशन ऑन थ्री सक्सेसिव डेज बाय स्टीमिंग एट 100 डिग्री फॉर 30 मिनट इज नोन एज, दैट इज नोन एज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या होता है, इट इज एन एक्सपोजर ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स ऑन थ्री कॉन्जिक्यूटिव डेज। और इसके लिए हम इसको एक और टर्म यूज करते हैं विच वी कॉल इट एज इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉशन आर्नोल्ड स्टीमर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। मीजोफाइल्स आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रोज विद इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 टू 20 डिग्री, 20 टू 45 डिग्री, 45 टू 60 डिग्री या फिर मोर देन 60 डिग्री। देखिए एक काम करते हैं, इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे किस रेंज से, 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक होते हैं, जबकि मीजोफाइल्स के भी रेंज क्या है, ऑलमोस्ट 25 से लेके कहां तक, 25 से लेके ऑलमोस्ट 45 तक। यानी कि ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिहेवियर taking medication, following a diet and or executing life changes corresponds with recommendation from a healthcare provider is known as। देखिए इसके लिए एक WHO की definition है। WHO कहता है adherence। Adherence क्या होता है? The extent to which a person's behavior taking medication, following a diet and or executing lifestyle changes corresponds with the agreed recommendation from a healthcare provider, that is called as adherence। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन। अ टैबलेट दैट हैज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड डज नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बट इज यूज्ड टू इंप्रोवाइज पेशेंट कंडीशन इज नोन एज, दैट्स वेरी इजी, इट इज कॉल्ड एज प्लेसबो। प्लेसबो बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह से कंडीशनिंग करते हैं माइंड को, जिसमें कि हम जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं कि यू आर टेकिंग ड्रग्स but actually we are not providing the drugs, we are in fact giving you the toffees या फिर some sweet pills।
अब सिंस आवर माइंड इज बीइंग ट्रीटेड एज इफ वी आर टेकिंग ड्रग, तो वो हमारा जो दिमाग है वो कंडीशन हो जाता है और उसकी वजह से एट टाइम्स वी गेट बेटर, वी गेट्स आवर हेल्थ गेट्स इंप्रोवाइज्ड, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसबो का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेसबो। योर फ्रेंड्स हु आर अदरवाइज हेल्दी आर प्लानिंग टू ट्रेवल टू द माउंटेन्स टू हाइट्स अबव 8,000 feet। 8,000ers को हम डेथ जोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे एवरेस्ट एंड ऑल, अबव सी लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड यू रिकमेंड टू कैरी विद देम? देखिए, ऐसे माउंटेनियर्स जो 8,000 से ऊपर जाते हैं, दे आर ऑफन फॉलो हो जो माउंटेन सिकनेस उसमें होती है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा होता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा होता है, और इन सब के लिए, इन कंडीशन के लिए एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है, वो कहलाता है एसिटोजोलामाइड या फिर डायोमैक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन टू। अ हाई ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोफिशियंट इज लाइकली टू मेक द ड्रग। देखिए, हाई ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोफिशियंट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ऑक्टेनॉल में ज्यादा प्रेफर कर रहा है सॉल्युबलाइज होना इन कंपैरिजन टू वाटर, तभी जो आपका जो पार्टीशन कोफिशियंट है वो ऑक्टेनॉल के फेवर में होगा। इसका मतलब क्या है? द ड्रग इज बिकमिंग मोर लाइपोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक, और कोई भी ड्रग जिसमें हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज हो जाती है वो प्रेफर करती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उस एरियाज में जहां हाइड्रोफोबिक कंटेंट ज्यादा है। कहां ज्यादा होता है? हमारे लिपिड बायलेयर में। तो यानी कि ऐसी ड्रग हु आर गेटिंग हाइड्रोफोबिक दे विल बी मोर लाइकली टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी? ग्लिप्साइट, एक्राबोस, मेटफॉर्मिन या फिर पायोग्लिटिजारोसोन। देखिए, जो मेटफॉर्मिन है बेसिकली ये क्या करती है, इट सीम्स टू इंटरफेयर विद द विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर। ये वही ट्रांसपोर्टर है जो जरूरी होता है किसके लिए? विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? तो यानी कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है मेटफॉर्मिन से, बिकॉज वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर जिसकी जरूरत है वो जो है डिस्टर्ब्ड हो जाता है। याद करिए, एक और डिजीज होती थी परनीशियस एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज में, वहां पर भी यही इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको टारगेट किया जाता था थ्रू आर इम्यून सिस्टम, वहां पे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती थी, राइट? तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थ्री। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज, दैट्स वेरी इजी, इट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो अगर हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं और उसमें हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग करी और उससे थोड़ा फोर्सफुल करने की वजह से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीदिंग कर पाते हैं, एक्स्ट्रा इनहेल कर पाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जबकि अगर हम एक एक्सहेलेशन के दौरान, एक नॉर्मल हमने सांस निकाल दी, उसके बाद भी अगर हम फोर्सफुली अगर कुछ निकाल पाते हैं हमारी जो ब्रीदिंग है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एज वी नो, इवन दो हम कितना भी फोर्सफुली अपनी एयर को लंग्स में से निकाल ले, बट हमारे लंग्स जो हैं दे डू नॉट गेट कोलैप्स बिकॉज सम एयर स्टिल लेफ्ट विद देम, और उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट? तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि हम कितना मैक्सिमम इनहेलेशन कर सकते हैं फोर्सफुली और कितना हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर सकते हैं, और वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन वन। Which of the following statement is false about RBCs? Biconcave in shape, yes, that is correct. जो RBCs होती हैं, erythrocytes होती हैं, वो biconcave होती हैं. Non-nucleated, that is also true. कि जो RBC होती हैं, उनमें nucleus नहीं होता. Have a lifespan of 60 days? No, they have a lifespan of almost 4 months. That means 120 days. तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Option 3. A single molecule of hemoglobin can transport up to how many molecules of oxygen? देखिए, एक जो hemoglobin molecule होता है उसमें कितने heme group होते हैं जो कि oxygen को bind कर सकते हैं? 4. How many? 4. तो और एक जो heme group है वो कितने oxygen molecule से bind करता है? 1 oxygen. तो कितने total molecules of oxygen से bind हो जाएंगे? 4. That means option 3 is the correct answer. The hormone involved in rhythmic activities such as day, night and seasonal changes is calcitonin, melatonin, cyclin
या फिर ईस्ट्रोजन। देखिए जो मेलाटोनिन हार्मोन है इट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड और ये हमारी कंट्रोल क्या करता है स्लीप एंड वेक साइकिल को। जब स्लीप करना होता है तो इट इज हाई, जबकि जब हमें जगना होता है तो इट इज एट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यानी कि जो हमारा मेलाटोनिन है ये हमारे कंट्रोल करता है इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को या फिर हमारे रिदम्स को, बायोलॉजिकल रिदम्स को। तो मेलाटोनिन इज द करेक्ट आंसर। काइनेटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कॉपीज ऑफ आरएनए, प्रोटीन, फैट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो काइनेटोप्लास्ट है इट इज एन ऑर्गेनेल इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और किसके, ट्रिपैनोसोमा के, और यहां पर हमारा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। राइट, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पीशिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, सॉल्टेशन, ब्रांचिंग डिसेंट या नेचुरल सिलेक्शन। देखिए जब भी एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है एंड इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो उसको बोलते हैं साल्टेशन। ये टर्म जो थी ये दी थी हमें किसने, ह्यूगो डी वराइस ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 45% द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विल बी। यहां पे लगेगा हमारा चरगाफ रूल। चरगाफ रूल इज वेरी मच ट्रू फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारा एडेनिन एंड थायमिन पेयर कितना है 45%। तो इसका मतलब क्या होगा, साइटोसिन एंड ग्वानिन पेयर कितना हो जाएगा 55%। अब इस 55% में जितना साइटोसिन उतना ही ग्वानिन, दैट मींस बोथ विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 27.5 एंड 27.5। दैट मींस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डीएनए डुप्लेक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वन डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर 10 साइकिल ऑफ पीसीआर। दैट्स वेरी इजी। देखिए एज वी नो कि एक राउंड ऑफ पीसीआर उसमें हमें कितने डीएनए डुप्लेक्स मिलते हैं, 2। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया 2^n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। अब हमने कितनी पीसीआर साइकिल करनी है, 2^10। तो हमारे कितने एम्प्लीकॉन्स बनेंगे, 1024। अगर यही 20 साइकिल राउंड हो जाएगा ना तो वी विल बी हैविंग 1,000,000 ऑफ पीसीआर डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन जिसमें सिस्टीन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एडेनिन हैज बीन टेकन प्लेस इन अ जीन बट द प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट ऑल्टर्ड, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सच वेरिएंट कॉल्ड एज, नॉन सिनोनिम्स वेरिएंट, सिनोनिम्स वेरिएंट, मिससेंस वेरिएंट या फिर नॉनसेंस वेरिएंट। देखिए अगर हमने बाई चांस एक पॉइंट म्यूटेशन किया यानी एक बेस पेयर का चेंज किया है, उस बेस पेयर के चेंज की वजह से हमारा जो अमाइनो एसिड है वो सेम आ रहा है तो ऐसे म्यूटेशंस को हम बोलते हैं सिनोनिम्स या फिर साइलेंट म्यूटेशन या फिर सिनोनिम्स वेरिएंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली पेयर्ड, न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट बॉन्ड। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इमीडिएटली आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, इमीडिएटली कंडीशनिंग क्या होगी, न्यूक्लिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमें पढ़ाया गया है, तो इसका मतलब बाकी तीन में से आंसर होगा, नहीं गलत। आप इसको, इस क्वेश्चन को ढंग से आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे पॉलीमर्स की बात हो रही है यानी कि एक सिंगल पॉलीमर कैसे बन रहा है, अगर पॉलीसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, दे आर बीइंग कनेक्टेड थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो यानी कि 2 तो ठीक है। प्रोटीन्स में ये बॉन्ड हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोलिपिड में यही बॉन्ड हो जाता है फॉस्फेट लिंकेज, न्यूक्लिक एसिड में ये बॉन्ड कौन सा होता है जब हमें एक सिंगल स्ट्रैंड बनाना है, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका कब, व्हेन एवर यू आर हैविंग टू स्ट्रैंड्स विच आर बीइंग कनेक्टेड। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। व्हाट डज HGVS स्टैंड फॉर, Human Genome Variation Society, Human Gene and Variant Society, Human Genome Variant Society या फिर Human Gene and Variation Society। देखिए HGVS जो है it represent the Human Genome Variation Society। ये वही सोसाइटी है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन जीनोम को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। What type of amplification takes place in sequencing by synthesis technique?
लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, ब्रिज एम्प्लीफिकेशन, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन या ऑल ऑफ दीज। देखिए सीक्वेंसिंग बायोसिंथेसिस टेक्निक जो होती है वो एक तरह की न्यू जनरेशन आपकी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको हम इल्यूमिना टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, विच डिटेक्ट द सिंगल बेसिस एज दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। एक काम करते हैं, इसको समझते हैं बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ये है हमारी टेम्पलेट और इसको हमें सीक्वेंस करना है। तो उसके लिए हमने एक क्या दे दिया, इसको टेथर दे दिया और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता जाएगा इस सीक्वेंस को और अल्टीमेटली एज द बेस पेयर आर बीइंग इंसर्टेड उसको हम डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे। थोड़े टाइम बाद हमने कंप्लीटली इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया जो हमें दिया गया था टेम्पलेट। अब इसका हम क्या करेंगे, दे आर बीइंग सेपरेटेड और उसके बाद जो अभी हमने न्यूली कंस्ट्रक्ट बनाया है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है, और वो जाके जुड़ेगा और एक ब्रिज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरीके का। एंड नाउ एक हम दोबारा से न्यू फ्रेश डीएनए बनाएंगे बेस्ड ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्ट टेम्पलेट और इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। ब्रिज को हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करना शुरू कर देंगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ इल्यूमिना टेक्नोलॉजी, राइट। तो यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। चलिए द कोर ऑफ द स्प्लाइसोसोम्स, स्प्लाइसोसोम वही मशीनरी है जो कि स्प्लाइसिंग कराती है आपका एमआरएनए बनाने के लिए, राइट। तो ये कैसे बनती है, इट इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, 5 होते हैं एंड साथ में थोड़े से एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। तो यानी कि द कोर ऑफ स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय 5 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड सर्टेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। DNA and RNA polymerase differ in all of the following except their error rate, नहीं दोनों में बहुत डिफरेंस है। DNA polymerase में proof reading होती है, RNA polymerase में नहीं होती है, यानी दोनों different है error rate में। The nucleotide substrate they incorporate, नहीं यहाँ पर भी different है। आपको पता है कि DNA जो है वो use करता है dNTPs जबकि RNA जो है polymerase है वो use करता है rNTPs, right? तो दोनों में difference है। Their process activity, इसमें भी difference है। DNA polymerase and RNA polymerase have different types of process activity. The reaction they catalyze. अगर हम ध्यान से देखें, even though they use the different nucleotides, but ultimately जो chemistry है they catalyze, phosphodiester linkage, वो दोनों में ही common है। तो जो structure, जो जो reaction होती है, वो center, जो reaction center है, वो use होता है 3 prime का OH and 5 prime का OH. दोनों ही cases में यही OH यूज होते हैं, चाहे वो RNA सिंथेसिस हो या DNA सिंथेसिस हो, ठीक है। तो डिफरेंट जो NTPs में था वो सेकंड प्राइम पोजीशंस पे था, सेकंड प्राइम पोजीशन DNA सिंथेसिस हो या RNA सिंथेसिस हो दोनों में ही यूज नहीं होते। तो इसका मतलब DNA एंड RNA पॉलीमरेज इवन दो डिफरेंट इन वेरियस प्रॉपर्टीज बट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर कैटलाइज इज ऑलमोस्ट सेम, दैट मींस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। On a ribosome, the mRNA is read from dash and the polypeptide chain is synthesized from 3 prime to 5 prime C to N terminals, 3 to 5 prime N to C terminals, 5 to 3 prime N to C या 5 to 3 prime C to N। देखिए ribosomes में mRNA की जो reading है वो होती है 5 prime to 3 prime और जो आपका protein synthesis है, peptide synthesis है, वो होता है N to C terminal, यानी N से C terminal के लिए। तो यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए सिंथेसिस एंड पेप्टाइड सिंथेसिस फ्रॉम एन टू सी टर्मिनल, दैट मींस ऑप्शन 3। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी जीनोटाइप इफ द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ फर्टिलाइज। आपने ध्यान से देखा इस क्वेश्चन को, ये बेसिकली मेंडल का जो टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस है वही है और इसके अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग होमोजाइगस डोमिनेंट वो कितनी है, कितनी है प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 16, जस्ट 1, दैट मींस 1/16, दैट मींस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एनकंपास रिवर्स जेनेटिक्स, पहले रिवर्स जेनेटिक्स समझते हैं क्या होता है। रिवर्स जेनेटिक्स इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या थी, हम बेसिकली फिनोटाइप को स्टडी करके डीएनए को स्टडी करते थे, राइट। रिवर्स जेनेटिक्स क्या हो जाएगी, हम डीएनए में चेंजेस लाएंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन फिनोटाइप या फंक्शंस पे, वेदर इट्स अ लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन, राइट। नाउ
इस पूरे सिनारियो में हम जीनोम एडिटिंग करते हैं, ट्रू। जीन नॉकआउट यानी लॉस ऑफ फंक्शन, एक जीन को हमने चेंज किया उससे क्या फंक्शन चला गया वो हम स्टडी कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग म्यूटेशन, वो भी कर सकते हैं नोन जीन में। क्या हम इससे नोवल जीन डिस्कवरी कर सकते हैं? नहीं। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटीरियल ओके विच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक इफेक्ट, दैट्स वेरी इजी, इट इज कॉल्ड एज म्यूटॉन। तो म्यूटॉन वो एक स्मॉलेस्ट जीन यूनिट होती है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं फॉर म्यूटेशन स्टडीज, राइट? तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर? प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर होते क्या हैं? बेसिकली प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर जो होते हैं दे आर ड्यू टू द आइदर मिसिंग और द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स, ठीक है? ऐसा ही एक डिसऑर्डर होता है ज़ेलबर्गर सिंड्रोम। ज़ेलबर्गर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली जो पैक्स जीन है वो म्यूटेट हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो है ज़ेलबर्गर सिंड्रोम होता है, राइट? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर। Which of the following repair pathway can faithfully repair a double-stranded? Remember, double-stranded break की बात हो रही है, तो non-homologous and homologous recombination दोनों ही double-stranded के लिए use होते हैं, ठीक? Base excision and nucleotide excision single base pairs के लिए, single strand पे होते हैं, ठीक है? तो यानी इस question का answer या तो first होगा या second होगा। अब basically अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जो homologous recombination होता है उसके अंदर repairing कैसे होती है, उसके अंदर repairing करने के लिए एक essentially जो एक शर्त है वो क्या है, दैट द रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर अ टेम्पलेट एंड दैट टेम्पलेट कुड बी द अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो कि आपका डीनेचर या डिग्रेड या डैमेज नहीं हुआ है, या फिर यू विल लुक फॉर द होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसका मतलब आप जो रिपेयर कर रहे हैं वो टेम्पलेट डिपेंडेंट है, यानी जो भी आपके टेम्पलेट पे है उस सारे स्ट्रैंड को आप रिपेयर कर पाएंगे, जबकि नॉन टेम्पलेट या नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के अंदर क्या होता है, ऐसा कोई टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है और इसीलिए इसके अंदर देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑफ डीएनए सेगमेंट। यानी जो फेथफुल अगर रिपेयर करना है तो आपको टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी और टेम्पलेट की जरूरत अगर पड़ रही है तो वो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है आपका होमोलोगस, राइट? तो यानी ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। इफ द फादर इन अ फैमिली हैड अ डिजीज व्हाइल द मदर इज नॉर्मल, the disease is only inherited by the daughter and not the son, name this type of disease: autosomal recessive, autosomal dominant, sex linked recessive, sex linked dominant, okay? देखिए इस तरह की डिजीज अगर फादर मदर से रिलेटेड हो रही है तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक डिजीजेस है। स्पेशली जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है वो अफेक्ट करता है नॉर्मली फीमेल्स को देन मेल्स। मेल जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डेवलपमेंटली फेटल होते हैं, यानी कि उनके अंदर वो जब पैदा हो रहे थे तभी खत्म हो जाते हैं, बट अगर सपोज वो बच गए तो तब इस डिजीज को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है इस केस में, दोनों ही केसेस में एक्स लिंक डोमिनेंट केसेस में, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फादर जो है अफेक्टेड है तो ऐसे केसेस में हमेशा जो डॉटर्स हैं दे विल बी अफेक्टेड, नॉट द सन। बट अगर मदर अफेक्टेड है तो एक डॉटर एंड एक सन अफेक्ट होगा, यानी दोनों ही केसेस में डिफरेंट टाइप्स का आपका इनहेरिटेंस पैटर्न दिखेगा और इस केस में भी वैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है, यानी कि ये जो डिजीज है वो कैसी है, सेक्स लिंक्ड स्पेशली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। दैट मींस ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, म्यूटेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए मेंडल ने जो भी करेक्टर चूज किए थे, ही चोज एक्सीडेंटली ऑल दोस करेक्टर विच वाज नॉट लिंक्ड एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते थे, इसीलिए तो लॉ दिया था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर फोर्थ, दैट इज इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है? व्हाट आर द चांसेस दैट एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग डू नॉट एक्सप्रेस द डिजीज फिनोटाइप if the both parents are genotypes A small a, 100%, 75%, 50% or 0%? देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या दिया गया है, हेटरोजाइगस कंडीशन AA, ठीक है, और उसी का सेल्फिंग की गई है। तो आप जब इसका क्रॉस करेंगे तो आपके ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा कैपिटल A कैपिटल A, क्या ये डिजीज होगा? नहीं, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है?
उसके बाद दो हमारे बनेंगे क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी डिजीज होंगे, नहीं, दे विल बी द कैरियर्स, राइट। एंड एक बनेगा रिसेसिव कंडीशन विच इज दिस, दिस विल बी द डिजीज। सो आउट ऑफ फोर ऑप्शन ओनली वन विल बी द डिजीज, टू विल बी द कैरियर एंड वन विल बी द डिजीज फ्री। तो बेसिकली डिजीज फ्री कौन हो गए, वो हो गए हमारे 75% और डिजीज कितने हो गए 25%, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। हु कॉइन द टर्म लिंकेज, मॉर्गन, मेंडल, डार्विन या डी व्राइस। देखिए ये जो टी एच मॉर्गन थे, ही एक्चुअली कॉइन द टर्म लिंकेजेस इन 1911। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन। A microbial biocontrol agent that can be used to control butterfly caterpillar is Trichoderma polysporum, Bacillus thuringiensis, Streptococcus या फिर Mycorrhizia। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, क्या हमने पढ़ा है BT crops, right? और वो कहां से ड्राइव होती है, बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ Bacillus thuringiensis जीन्स, राइट। बेसिकली ये जो BT सीरीज है या Bacillus thuringiensis है, ये एग्जाम्पल है माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट का, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं टू कंट्रोल होलोमेटाबोलोसिस, जिसमें कि आपके लेपिडोप्टेरन्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपके कॉलिप्टेरन्स भी आ जाते हैं एंड इवन डाइप्टेरन्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स, मैकुला डेंसा एंड अर्जेंटेफिन सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स, लेकिस सेल्स एंड मायोएपिथेलियल सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स, परकिंजे सेल्स एंड चीफ सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स, मैकुला डेंसा एंड लेसिस सेल्स। देखिए GFR क्या होता है, GFR जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ब्लड से वो फिल्टर नहीं हो पाएगा इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। और अगर GFR लो हो जाता है तो जो हमारा जक्स्ट्राग्लोमुलर एपरेटस है वो सीक्रेट करता है रेनिन, और रेनिन अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें कि आपके तीन हार्मोन सिस्टम आ जाते हैं। अब याद करने वाली बात क्या है कि जक्स्ट्राग्लोमुलर एपरेटस में तीन सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी, जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स, मैकुला डेंसा एंड लेसिस सेल्स। और ये कहां मिलती हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द एफरेंट आर्टियोल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समवेयर दिस एरिया। अगर आप ध्यान से देखें इस वाले एरिया में ये सेल्स होती हैं, राइट, और जो कि कंट्रोल करती हैं किसको, GFR को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फोर वर्टिब्रे, सैक्रम, कॉकाइस, एटलस और एक्सिस। देखिए जो कॉकाइस जिसे हम टेलबोन भी बोलते हैं, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये बेसिकली फॉर्म्ड होता है फ्यूजन ऑफ फोर कॉडल वर्टिब्रे, ठीक है, और ये जनरली यूजलेस होता है बट एक्चुअली पेल्विक गर्डल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन टू। सार्कोमियर इज पार्ट बिटवीन टू एच लाइन, पार्ट बिटवीन टू ए लाइंस, पार्ट बिटवीन टू आई इवेंट्स या पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एक जस्ट इस फिगर को देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, क्या होगा आंसर। सार्कोमियर कहां से कहां तक है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ। एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद ब्लड सेल्स, मसल्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज। देखिए जो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स होते हैं, दे आर कवर्ड बाय द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और उसको हम क्या बोलते हैं, हायलिन कार्टिलेज, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स या फिर पाइवट जॉइंट्स। देखिए एक काम करिए, अपना जो फिस्ट एरिया है उसको जरा मूव करा के देखिए, इज इट नॉट अ फ्री मूविंग जस्ट लाइक अ ग्लाइडिंग, राइट। तो यानी कि जो जॉइंट्स होता है बिटवीन द कार्पल बोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, राइट। तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द डाइजेशन ऑफ क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग सिक्स रिकॉग्निशन साइट। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए जब भी याद रखिए, जब भी आपके पास अगर गिवन है सर्कुलर डीएनए, तो उसके जितनी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट दे रखी हैं, दैट मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द एग्रोस जेल। और अगर वो लीनियर है तो हमेशा याद रखिए एक फ्रेगमेंट एक्स्ट्रा जनरेटेड होगा। तो लेट अस से अगर आपका एन रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ साइट्स है,
तो उतने ही फ्रेगमेंट आपके एग्रोस जेल्स पे आएंगे, जबकि अगर लीनियर डीएनए दे रखा है तो उसमें हमेशा एन प्लस वन फ्रेगमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री, दैट मीन सिक्स फ्रेगमेंट, ठीक है। चलिए, द पॉलीमराइजेशन ऑफ द जेल यूज इन द पाच अकर्स बिटवीन द पॉलीअक्रिलामाइड एंड, बहुत आसान है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें जो एक्रिलामाइड है वो एक मोनोमर है, ठीक है, और जब दो एक्रिलामाइड यूनिट जॉइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिसएक्रिलामाइड, और बिसएक्रिलामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ टिमेड एंड एपीएस, एपीएस जो रेडिकल जनरेट करता है, टिमेड विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो जो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग होती है बिटवीन द लीनियर चेन्स ऑफ बिसएक्रिलामाइड, ठीक है, ये देख रहे हैं आप बिसएक्रिलामाइड, और वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द एक्रिलामाइड एंड देन दे मेक अ डिस्टिंक्ट पोर साइज। अगर आप एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो पोर साइज छोटे हो जाएंगे, और अगर आप कम रखेंगे तो पोर साइज बड़े हो जाएंगे, एंड जनरली दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू सेपरेट द प्रोटीन फ्रेगमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एन इन मिथिलिन बिसएक्रिलामाइड, दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ। Suppose there is a deletion of a 5 coding DNA nucleotide, ठीक है, 234 से 238 position तक, which of the following is the correct way to depict it according to HGVS format? HGVS अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, ठीक है, HGVS format क्या कहता है, पहले आपको लगाना होता C dot, ठीक है, अब कहां से कहां तक आपका deletion हुआ है, 234 से लेके underscore 238, और फिर आप बताइए क्या हुआ है डेलीशन। तो ये होगा आपका करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 234 से 238 पोजीशन तक का डेलीशन एज पर द एचजीवीएस फॉर्मेट, दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट। बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स बैक्टीरिया या माइक्रोब्स फॉर द मैन्युफैक्चर ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू एंजाइमेटिक और फर्मेंटेशन प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर कॉल्ड येलो, ब्लू, ग्रीन या फिर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। एक काम करते हैं, हम डिफरेंट कलर कोड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी यूज होते हैं अराउंड द ग्लोब, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। येलो में कौन आता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंप्रोवाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन तो उसको हम बोलते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी, जबकि ब्लू में हम मरीन यानी फिशेज या फिर मरीन प्रोडक्ट्स के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ग्रीन के अंदर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड ऑल दैट, जबकि रेड इन्वॉल्व होता है आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ब्राउन में हम बात करते हैं ड्राई डेजर्ट एरिया या उससे रिलेटेड चीजों की, जबकि गोल्ड में हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल यानी बायोइनफॉर्मेटिक्स चीजों। एज फार एज व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इज कंसर्न, उसका यूज होता है माइक्रोब्स का इन द इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। जबकि ग्रे जो होता है वो होता है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग टू इंप्रोवाइज द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। Which of the following is not a component of a downstream processing? Downstream processing of a protein क्या होता है basically? जब भी आप through genetic engineering कोई भी protein को बना लेते हैं और उसको express करा लेते हैं, तो उसके बाद after this expression is done in the microbes, in the bacteria, in the host, ठीक है? उसके बाद उससे purification के जितने भी steps हम use करते हैं, that is called as downstream processing. और उसके अंदर क्या-क्या involved होंगे? उसके अंदर involved होगा purification. ठीक है, उसके अंदर होगा उसका सेपरेशन फ्रॉम द कंटेमिनेंट एंड देन हाउ टू सेल इट, दैट मींस प्रिजर्वेशन, हाउ टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, जबकि एक्सप्रेशन है वो बिफोर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में काउंट होगा, राइट। तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। Plasmids are used as a cloning vector for which of the following reasons? Can be multiplied in culture? No. Plasmid ko aap bahar outside the host nahi culture kar sakte, right? Can be multiplied in laboratories? No. Replicate freely outside the bacterial cell? Never. They are autonomous replication unit in the bacterial cells. Remember, plasmid increase karenge apna number only in the host cells, right? So option 2 is the correct answer. The first clinical application of the gene therapy over a 4-year-old girl, Asantha De Silva, was for, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा जीन थेरेपी का एक्सपेरिमेंट हुआ था असांता डिसिल्वा पे, श्रीलंकन गर्ल,
वो हुआ था एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जीन्स के ऊपर, एडीए जीन्स पे। पहले जरा समझते हैं ये एडिनोसिन डीएमिनेज करता क्या है। दिस एंजाइम इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द सैल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन, ठीक है, और वहां पर ये क्या कन्वर्ट करता है, डीऑक्सी एडिनोसिन को डीऑक्सी इनोसिन में, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड, प्यूरिन का सैल्वेज हो गया। और उसमें ये जो एंजाइम है ये फर्स्ट स्टेप पे ही इन्वॉल्व हो जाता है एडिनोसिन डीएमिनेज और अमोनिया को रिमूव करता है। देखिए अगर अमोनिया रिमूव हो जाती है तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट है उसको आप यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये एक टिपिकल कैटाबॉलिक प्रॉब्लम है प्यूरिन की। अब इफ दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट सपोज देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ऑटोसोमल जीन है तो अगर ये एंजाइमेटिक जीन नहीं होगी तो क्या होगा, तो देन ये जो आपका डीऑक्सी एडिनोसिन है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी डीएटीपीज में, और ये जो डीएटीपीज है ये एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर बन जाता है एक एंजाइम का, दैट इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज रिमेंबर इज द ओनली एंजाइम विच कन्वर्ट द आपका राइबोज प्रिकर्सर्स यानी कि OH आरएनए वाले जो राइबोज प्रिकर्सर्स हैं उनको डीऑक्सी राइबोज में। तो अगर हमें आरएनए प्रिकर्सर से डीएनए बनाना है तो वी नीड दिस एंजाइम, और अगर डीएटीपी बन गया तो दिस एंजाइम विल बी लॉस्ट। हर वो सेल विच रिक्वायर फ्रीक्वेंटली डीएनए सिंथेसिस वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड करती हैं और उनको जरूरत होती है इस एंजाइम की फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अगर डीएटीपी बनेगा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए तो देन ये इनहिबिट करेगा आपके आरएनएआर को, और आरएनएआर की वजह से वी विल नॉट बी हैविंग डीएनए सप्लाई, एनफ ऑफ डीएनए सप्लाई, और उसकी वजह से आपकी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगी एंड अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग इम्यूनो डेफिशिएंसी। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा एडिनोसिन डीएमिनेज deficiency, option 1. The diagram which shows the arrangement of metaphasic chromosomes according to their position of centromere, it is called as, that's very easy, usko hum kya bolte hain, ideogram, kya bolenge, ideogram, right? To agar hum human chromosomes ko as per their metaphasic chromosomes based on the position of centromere agar arrange karenge to usko ideogram bola jata hai, yani option 4. How many types of histone molecules are found in nature? 3, 4, 5 या 6? देखिए स्टोन्स के बारे में अगर याद करें तो जो हमारा न्यूक्लियोसोम्स होता था उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर होता था, याद है? और उसमें क्या क्या यूज होता था हिस्टोन ऑक्टामर्स में? 2 units of histone 2A, 2 units of histone 2B, histone 3, 2 units, histone 4, 2 units, तो ये मिलके बनाते हैं कितने ऑक्टामर, 4 हो गए ना, histone 2A, histone 2B, histone 3, histone 4, इनके दो दो यूनिट्स, और एक और हिस्टोन होता है दैट इज H1, तो कितने हो गए टोटल 5, दैट मींस ऑप्शन 3। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट नोन एज सैटेलाइट सेगमेंट्स, कॉर्नबर्ग सेगमेंट्स, डबल हेलिक्स सेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट सीम्स टू बी द आंसर, बट दैट इज फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड नॉट फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, तो यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, राइट right? तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ अगर इफ इट वुड बी लैगिंग स्ट्रैंड तो ये आंसर हो जाता ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। द रोल ऑफ अमाइनोप्टेरिन इन हैट मीडिया फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज सैल्वेज पाथवे ब्लॉकर, डीनोवो पाथवे ब्लॉकर, हाइब्रिडोमा सेल स्टेबलाइजर या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ठीक है अगर इसको आपको समझना है तो आपको बेसिकली समझना होगा डीएनए सिंथेसिस होती कैसे है। एक सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं डीएनए सिंथेसिस करने के, या तो डीनोवो पाथवे यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल बेसिक एटम बाय एटम आप जोड़ के बनाइए डीएनए, या फिर आप सैल्वेज पाथवे यानी कि आप रीयूटिलाइज करिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिकर्सर्स ऑफ डीएनए को। ठीक है एक सेल इनमें से कोई भी दो पाथवे को यूज कर सकती है। अब जो अमाइनोप्टेरिन या हैट मीडिया जो डिजाइन किया जाता था वो बेसिकली क्या करता है, इसमें से हम जो सेल की जो फ्रीडम है टू यूज डीनोवो पाथवे उसको इनहिबिट करते हैं एंड सेल को फोर्स किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय यूजिंग द व्हिच पाथवे, सैल्वेज पाथवे। अब वो कैसे करते हैं, सैल्वेज पाथवे में एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है हाइपोजेंथिन,
जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द हेट मीडियम, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोक्सैंथिन। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है, दैट इज थायमिन, जो कि हम फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अमाइनोप्टेरिन? अमाइनोप्टेरिन बेसिकली इज एन इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम ऑफ डी नोवो पाथवे, राइट, जो कि ये एक इनहिबिटर होता है। तो बेसिकली अमाइनोप्टेरिन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा डी नोवो पाथवे की जो ऑप्शन था सेल के पास फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और अब सेल किससे डीएनए बनाएगी? सिर्फ और सिर्फ सैल्वेज पाथवे से, राइट। सो दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। ग्वानिडियम ग्रुप इज प्रेजेंट इन हिस्टिडिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन या प्रोलिन। देखिए, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को एक बार जरूर देख के जाइए। अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपने देखे हुए हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आर्जिनिन होता है उसके अंदर ये ग्रुप होता है, ये, एंड इस ग्रुप को बोला जाता है ग्वानिडियम ग्रुप, राइट। सो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट? अगेन एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि ट्रिप्टोफान जो होता है उसके अंदर इंडोल रिंग होती है, ये वाला, और ये एक इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर होता है विच स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बली इन द यूवी लाइट एट 280, ठीक है। तो आप ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है बिकॉज ऑफ द इंडोल रिंग। उसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन कोई कर सकता है तो वो होता है टायरोसिन, जिसमें कि फिनॉल रिंग है जो कि एब्जॉर्ब कर सकती है एट 280, बट कंपैरेटिवली लेस देन द ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब कौन करेगा एट 280? दैट इज इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफान, दैट मींस ऑप्शन 4। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन द शुगर एस्टिमेशन इनहिबिट्स। देखिए, जो सोडियम फ्लोराइड है ये एक नॉन इनहिबिटर है फॉर द ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी जहां पर भी आपके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बात हो रही होगी। और बेसिकली ये इनहिबिट करता है एक स्टेप्स को विच इज कैटलाइज्ड बाय द इनोलेज, राइट। तो दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द पोरफायरिन सिंथेसिस? दैट्स वेरी इजी। जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू सिंथेसाइज सीरीन, जो कि अल्टीमेटली हम यूज कर सकते हैं फॉर द ग्लूकोज सिंथेसिस। इट इज यूज टू सिंथेसाइज कोलीन, ग्लाइऑक्सिल एसिड, केराटिन, आपके जो प्यूरिन्स हैं उनको बनाने में, हीम जिसमें पोरफायरिन रिंग बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ग्लूटाथायोन, बाइल सॉल्ट्स, कॉन्जुगेशन, बहुत सारी जगह यूज होता है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट area where it is being used is the synthesis of porphyrin structure for the heme group, right? So, iska matlab answer kya hoga? Option 3. In TCA cycle, fumarate is converted to malate by removal of water, addition of oxygen, removal of carbon dioxide or addition of water. Dekh lete hain Krebs cycles mein. Jo humara fumarate hai, usse hum malate banate hain by kya? Addition of water. That means option 4. Pyridoxal phosphate is used as a coenzyme in various biological reactions. It transfers amino groups, acyl groups, hydride ions or electrons. देखिए, ये जो pyridoxal phosphate है इसके अंदर एक important आपका functional group होता है जो कि aldehyde होता है, ठीक है। और ये जो aldehyde group of the coenzyme, ये shift linkage बनाता है lysines of the enzyme, ठीक है। And now it later on it exchange ये जो amine group है, ठीक है, उसको exchange करता है amino substrate से, और ultimately transfer क्या करेगा? Amino group, NH2 group, ठीक है। तो जो pyridoxal phosphate है इसीलिए important है transamination reactions में, right? तो इसका मतलब इस question का answer क्या होगा? Option 1. The patient is to be administered with 250 ml of normal saline per hour using adult infusion set, okay, how much should be the drop rate? 1 ml is equal to 20 drops. देखिए, इसके लिए एक formula होता है, हमारा drops per minute equal to volume. Volume हमें कितना दे रखा है? 250 ml. और drop factor होता है हमारा ये, 1 ml किसने के बराबर है? तो ये हो गया हमारा 20. और time हमें कितना दे रखा है? 1 hour, per hour है ना? तो 60 minutes. इसे solve करते हैं. तो 250 into 20 divided by 60, तो ये हो जाएगा 3 divided by 250, तो ये हो जाएगा somewhere 8 and 3 is the 9, so somewhere 83. तो option 1 is the correct answer. How much financial incentive is given to the sponsored scheme
निक्षय पोषक योजना, ठीक है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसमें कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड यू 500 रुपीज पर मंथ, जिससे कि जो टीबी पेशेंट्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन को सफाइस कर सके, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद सके जिससे कि उनको टाइमली न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है ना। क्योंकि रिमेम्बर जो टीबी का जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा एक विग्रस ट्रीटमेंट होता है, जिसमें स्पेशली अगर न्यूट्रिशन ना मिलेगा अगर पेशेंट्स को तो उसकी डेथ जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इसीलिए इसमें जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 500 रुपीज, राइट, ऑप्शन 3। अर्ली एम्बुलेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट विच कॉम्प्लिकेशन, पेन, नो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यस। जो एम्बुलेशन है इट स्टिमुलेट सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जो भी हमारे वीनस थ्रोम्बोसिस है या स्ट्रोक कॉजिंग ब्लड क्लॉट्स हैं उनसे बचा जा सके। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 year old is suspected for bacterial meningitis, ठीक है, for which lumbar puncture is performed, okay. Which of the following laboratory findings of the spinal fluid would support the diagnosis? देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई भी CSF finding जो है उसमें bacterial meningitis का thought है या उसका doubt है तो हमेशा याद रखिए क्या क्या देखा जाता है। अगर pressure जो है वो over 180 mm H2O है तो इसका मतलब meningitis है, bacterial meningitis है। CSF cell count जो है अगर increased हो गया है तो भी bacterial meningitis है। Granulocytes बहुत ज्यादा हो गए lymphocytes के मुकाबले तो भी generally आपका bacterial meningitis होता है। और अगर आपका protein level एक range से ज्यादा बढ़ गया है तो भी it is a chance कि आपका CSF के अंदर अगर ये protein level ज्यादा है तो आपका bacterial meningitis के chances बढ़ जाते हैं। तो इस question में option 2 जो है वो इस फाइंडिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली फिट हो रहा है, दैट मींस एलिवेटेड प्रोटीन लेवल, ठीक है। ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ इज अ विजिबल डिस्प्ले ऑफ, ठीक है, जो न्यूबॉर्न होते हैं जब उनको वैक्सीनेशन हो रहा होता है तो उनके साथ साथ उनका जो हेल्थ चार्ट भी देखा जाता है। और बेसिकली ये जो हेल्थ चार्ट है ये एक इंडिकेटर है, एक डिस्प्ले है जिससे कि हम बच्चों का वेट बाय हाइट उसको मेजर कर सके। और इट इज बेसिकली used to determine the weight for age, yani ki age ke sath sath kaisa kaisa weight aapka badh raha hai, kyunki signature hota hai ki nutrition bachcha jo hai wo dhang se apna maneuver kar raha hai ya nahi kar raha hai, theek hai। To iska matlab is question ka answer kya hoga, option 4th। Which of the following RNA constitutes 90% of the total cellular RNA, okay, ribosomal RNA, tRNA, mRNA ya hnRNA, heteronuclear RNA। देखिए दो तरीके से हम आरएनए को डिटरमाइन कर सकते हैं अबंडेंस, या तो मास के थ्रू या नंबर्स के थ्रू। अभी हम फिलहाल मान के चलते हैं कि हम मास के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा जो राइबोसोमल आरएनए है वो सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 90% जो है ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। In sequence alignment by BLAST, each word from query sequence is typically dash residue for protein sequence and dash residue for DNA sequence. 10-11, 3-3, 3-11 और 3-10। देखिए इस step को हम seeding step भी बोलते हैं। ये जो first step होता है, it is to create a list of words from the query sequence। और इसमें क्या करते हैं? Each word has typically 3 residue for protein sequences and 11 residue for DNA sequence, और list को जो है include करता है every possible word extracted from the query sequence, ठीक है। तो इसका मतलब इस question का answer क्या होगा, option 3, ठीक है। If the purpose is to calculate the probability of one event and the second event, the odd score for the events are, that's very easy, they are often multiplied, ठीक है। अगर purpose ये है कि calculation of the odds of an alignment of two sequence from the alignment score for each of the match pair of the basis of amino acids in the alignment, तो ऐसे cases में जो odd scores होते हैं pairs के उनको क्या किया जाता है, multiply किया जाता है। Option 2 is the correct answer। ये बहुत simple bioinformatics के tools हैं, अगर आपको थोड़ी भी bioinformatics की knowledge है तो आप इन्हें solve कर पाएंगे, ठीक है। जो cryopreservant used for the cell consists of 10% DMSO in FBS, 10% NO in FBS, 10% HCl in FBS या फिर 5% HCl in FBS। देखिए HCl तो होगा नहीं, for sure।
तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल टी इफेक्टर सेल्स, तो जो फ्रीजिंग मीडियम होता है वो बेस्ड ऑन होता है 10% DMSO एंड 10% FBS सीरम, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी अनयूजुअल बेसिस आर ऑब्जर्व इन अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, 1, 3, 5 या 0? देखिए, इन अ टिपिकल टीआरएनए मॉलिक्यूल 5 अनयूजुअल बेसिस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द यूजुअल बेसिस। फॉर एग्जांपल, एक टिपिकल टीआरएनए मॉलिक्यूल में एक होता है स्यूडो यूरिडिन, एक होता है डाइहाइड्रो यूरिडिन, और क्या होते हैं हाइपोजेन, थायमिन, थायमिन होना नहीं चाहिए आरएनए में पर होता है, मिथाइल गुआनिन। तो ये जो 5 बेसिस होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं किसमें, टीआरएनए में, ठीक है। चलिए, कोविड 19 वॉज कॉज्ड बाय डीएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, या फिर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पहली बात तो बहुत क्लियर है, जो आपका कोविड वायरस था वो एक सार्स कोविड वायरस है, यानी कि आरएनए बेस्ड वायरस है, और जो कि आपके किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कोरोना वायरस जो है दे आर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस, ठीक है। और इनके अंदर अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखें तो दे आर हैविंग क्राउन लाइक अपीयरेंस, ठीक है, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया कोरोना वायरसेस, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। What are the Yamanaka factors used for IPSC reprogramming? देखिए, Yamanaka factors जो थे, they are basically a group of protein transcription factor, reprogramming factor बोलते हैं, जो कि use होते हैं कि adult cell को वापस से IPSC, induced pluripotent stem cells बनाने के लिए। और उसमें क्या क्या involved होता है, उसमें होता है OCT 3x4 और CMYC, KLF4 and SOX2, यानी option 2 is the करेक्ट आंसर। ये जितने भी फैक्टर्स हैं रीप्रोग्रामिंग फैक्टर, इनको हम यूज कर सकते हैं एक एडल्ट सेल से वापस से स्टेम सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। चल, हाइब्रिडोमास आर इमोर्टलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सेल फ्यूजन, एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ टेलोमेरेज, ट्रांसफॉर्मेशन वाय रिट्रोवायरस, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो आपने देखा होगा दैट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो क्या रिक्वायर करती है, दे रिक्वायर इमर्टलाइजेशन ऑफ द स्प्लीनोसाइट्स बाय द सोमेटिक फ्यूजन टू अ माइलोमा सेल्स, और ये दोनों किसके थ्रू होते हैं, बाय द सेल फ्यूजन, ठीक है ना। तो इसका मतलब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। निमेनपिक डिजीज इज अ, देखिए निमेनपिक डिजीज जो होती है वो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, और ये किस वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एसिड स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की वजह से। ये एंजाइम कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्फिंगोमाइलिन टू द सिरामाइड एंड फॉस्फोकोलिन में, और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्फिंगोमाइलिन है और उसके प्रिकर्सर लिपिड्स वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं लाइसोसोम्स में, स्पेशली लाइसोसोम्स। तो इसका मतलब, निमेनपिक डिजीज इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, या फिर इट इज अ लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर, राइट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट वेरी लार्ज डीएनए सेगमेंट इज, दैट्स वेरी इजी, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आज की डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड है बहुत बड़े बड़े साइज ऑफ लार्ज डीएनए क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑल्टरनेट जो है आपका जो क्रोमोसोम्स की माइग्रेशन है उसको चेंज करते जाते हैं। पहले हम इस डायरेक्शन में हम मूव कराएंगे, फिर देन हम इसे इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, फिर देन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड दैट्स वेयर द क्रोमोसोम्स अपीयर्स टू फॉलो द सेम आपका वर्टिकल पाथवे, बट इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो इस जिगजैग पैटर्न की वजह से जो आपके लार्ज डीएनए साइजेस हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। द प्रोसेस बाय विच नॉर्मल सीरम एनहांस फेगोसाइटोसिस इज कॉल्ड, हीमोटैक्सिस, ऑप्शनाइजेशन, फॉस्फोराइलेशन, या फिर हेमेटोपोइसिस। देखिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग पैथोजन टू प्रमोट फेगोसाइटोसिस। अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल जो ऑप्शन इन मॉलिक्यूल्स हैं वो एनहांस करते हैं फेगोसाइटोसिस एफिशिएंसी बाय फेगोसाइटिक सेल्स, या तो वो एक्टिवेट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, या फिर वो मार्क कर देते हैं एंटीजन विद अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसे उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शन 2। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द सेल, इन द साइटोप्लाज्म,
फॉर द इन द न्यूक्लियस या फिर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स वेरी इजी। जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो ऑलमोस्ट हर सेल, पहले तो ये स्टार्ट हुए थे आपके बेसिकली इम्यून सेल्स पे, बट आज की डेट में हम जानते हैं कि ये जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है ये सरल सरफेस यूनिक रिसेप्टर्स हैं, यानी ऐसे रिसेप्टर या ऐसे प्रोटीन जो कि एक यूनिक सेल पे प्रेजेंट हो, जिनको हम यूज कर सकें टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सेल्स, उनको हम बोलेंगे सीडीज, राइट। और ये कहां पे होंगे? सेल सरफेस पे। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। लाइगोएंड फॉर टीएलआर टोल लाइक रिसेप्टर, थ्री रिसेप्टर इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपेप्टाइड या फ्लैजिलिन। देखिए जो TLRs होते हैं ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम PAM एसोसिएटेड रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली इननेट इम्यूनिटी या फिर आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, ठीक है ना बेसिकली। अब ये अलग अलग एंटीजन्स को या अलग अलग आपकी नॉलेज को डिटेक्ट करते हैं, और स्पेशली जो आपका TLR3 है वो डिटेक्ट करता है आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, राइट। तो यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। बाकी के भी रिसेप्टर्स के जो एंटीजेंस हैं या फिर आपके लाइगेंड्स हैं वो हमने दिए हुए हैं, उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म अलाउज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमन इनटू द साइटोसोल ऑफ एंटेरोसाइट्स? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू GLUT5, सोडियम चैनल इन एंटेरोसाइट मेम्ब्रेन, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, या फिर पैरासेलुलर अपटेक बाय गैप जंक्शन। देखिए द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमन इनटू द साइटोसोल ऑफ एंटेरोसाइट थ्रू ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये कौन कराता है? SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। और ये बेसिकली क्या करता है? ये एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम को अपटेक करता है, यानी कि अंदर ले आता है ल्यूमन में, और उससे जो एनर्जी ड्राइव होती है, उससे जो आपकी जो एनर्जी मिलती है उसको वो यूज करता है टू टेक अप द ग्लूकोज इनसाइड द ल्यूमन, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ IgG इज 150 kd, ओके, and that of antigen antibody complex formed in the presence of antigen excess of is 300 kd, the molecular mass of the antigen is, okay, theek hai, to yani ki aapki ek antibody hai, theek hai, aur uska total mass hai 150, done, aur now jab ye antigen isse bind karta hai to ye jo total mass hai complex ka ye ban jata hai 300 dalton, to ek cheez to bahut clear hai, ye jo antigen hai उसका मास है 150 kd। अब ये जो 150 kd जो आपका मास है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो में इक्वली, बिकॉज यू नो एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो यानी कि आपका 150 kd विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 75 kd एंड 75 kd, यानी एंटीजन का मास कितना हो जाएगा? 75 kd। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। All types of chemical forces are involved in antigen-antibody interaction except van der Waals forces, ये तो होते हैं, ठीक है, hydrogen bonding ये भी होती है, आपके hydrophobic interaction ये भी होते हैं, ionic bonds भी होते हैं, but क्या नहीं होता? Covalent bond बिल्कुल भी नहीं हो सकते antigen-antibody interaction में, क्यों? Because antigen-antibody interaction जो होते हैं वो reversible होते हैं, covalent bond अगर बन गए तो फिर इस तरह के interaction कभी भी reversible नहीं हो पाएंगे, right? तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी किसी भी रिवर्सिबल इंटरेक्शंस में नहीं मिलेगा, राइट। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सीरम इज, ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, जो सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी है वो कौन सी होती है? आपकी IgG, यानी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन? X-ray crystallography, yes, we can use it. NMR, 3D के लिए use हो सकता है. Cryo-electron microscopy, ये भी use हो सकती है. Ramachandran plot, नहीं, Ramachandran plot is not used for this thing. Ramachandran plot actually can tell you कि what conformation a peptide may attain while secondary structure is being taken. तो Ramachandran plot basically जो है, जो peptide backbone है, उसकी twisting को explain करता है, ना कि 3D structure को, ठीक है? तो इसीलिए option 4 is the correct answer. During the peak summer and a winter, the frogs take shelter in deep burrows to protect them from the extreme heat and cold. This is called as. देखिए, जब भी आपका extreme cold होगा, तो उस वाली sleep को हम बोलते हैं hibernation. तो hibernation is basically winter sleep. जबकि अगर बहुत ज़्यादा summer है, उस time पे जो hibernation, जो आपकी sleep होती है, उसको बोला जाता है estivation. तो summer sleep is estivation.
जबकि विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन. ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं एज एन आपके नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है. तो जो अमोनोटेलिक होते हैं उसमें इंक्लूड हो जाएंगे आपके मराइन ऑर्गेनिज्म लाइक आपके फिशेस. ठीक है. जबकि आपके यूरिकोटेलिक में आपके आ जाएंगे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है. आपके जो यूरियोटेलिक में आ जाते हैं आपके मैमल्स स्पेशली. ठीक है. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर्स इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. देखिए एक काम करते हैं, फाउंडर इफेक्ट्स पहले समझते हैं. अगर एक मदर पॉपुलेशन में जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉपुलेशन, ये वाले वेरिएशंस जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम द मदर पॉपुलेशन एंड देन दे जनरेट अ न्यू ऑल टुगेदर पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट्स. एंड ये जो पॉपुलेशंस आई हैं, ये जो वेरिएशंस आए हैं, इन्हें बोला जाएगा फाउंडर्स पॉपुलेशंस. राइट. और ये कब हुआ, जब मदर पॉपुलेशन से आपके जो जीन्स हैं कुछ वेरिएशंस हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं. तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर बी एंड टी सेल्स, फंक्शंस इन द रिमूवल ऑफ डैमेज एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स एंड दस हेल्प टू मेंटेन हेमेटोपोइसिस, या फिर दीज आर द साइट्स ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ मेच्योर बी सेल्स. देखिए जो जर्मिनल सेंटर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज एन ट्रेनिंग कैंप्स, जो कि इमेच्योर इम्यून सेल्स को हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज न्यू डिजीज थ्रेट्स एंड अटैक देम विद एक्वायर्ड एफिशिएंसी. यही वो जगह है जहां पे मेच्योर बी सेल्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के थ्रू प्रोलिफरेट करती हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड आइसोटोपिक स्विचिंग में जाती हैं. यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दीज आर द साइट्स ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ मेच्योर बी सेल्स. ठीक है. द टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन मेमेलियन एम्ब्रियो इज प्लेनर क्लीवेज, अनइक्वल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज. इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. जो मैमल्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं रोटेशनल क्लीवेज, बिकॉज वो कैसे होते हैं, आइसोलेसाइथल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, बहुत कम एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक होता है. अब चूंकि योक उसमें ऑलरेडी कम है, दे हैव अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योक, दैट्स वेयर दे रिक्वायर इमीडिएट इम्प्लांटेशन इन टू द यूट्राइन वॉल, किसलिए, टू गेट द न्यूट्रिशन. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोटेशनल क्लीवेज. ठीक है. चलिए, एस्चुरिया कोलाई इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद. देखिए एस्चुरिया कोलाई एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, यानी कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहते हैं, और अगर ये रिलीज होते हैं इन हैवी क्वांटिटी थ्रू फीकल मैटर, तो जो है वाटर के अंदर जिसमें ये रिलीज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, उसमें इनका लेवल बढ़ जाता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है वाटर पॉल्यूशन का. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, फीकल मैटर. तो ईकोलाई जो है फीकल मैटर के थ्रू निकल जाते हैं वाटर के अंदर, और वाटर में अगर ईकोलाई ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वाटर में फीकल मैटर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है. चलिए, सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल कन्वर्ट्स नाइट्रेट इनटू द नाइट्राइट एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन, सच बैक्टीरिया टर्म्ड एज. ये एक नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन है जिसमें आपका जो नाइट्रेट है अगर वो फाइनली कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन के अंदर, तो वो कराया जाता है थ्रू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. यानी ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए, बाकी के भी एंजाइम्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं. बाकी के बैक्टीरिया, बाकी के एंजाइम्स जो भी नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है वो आपको आने चाहिए. द प्रीबायोटिक एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ वॉज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, बिल्कुल ट्रू है. ऑक्सीजन उस टाइम पे थी नहीं, पेड़ थे नहीं. ठीक है. इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट एज ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ. अब देखिए पेड़ है नहीं, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस कौन करा सकता है, एंजियोस्पर्म तो पेड़ है वो तो थे नहीं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया पहले आए थे. ठीक है. तो साइनोबैक्टीरिया वर एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज द क्या, ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंट है, इनिशियल एनवायरमेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग हुआ. ठीक है. ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, दैट्स वेरी इजी, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन द
sedimentary rocks, right? So option one is the correct answer. Which of the following is used as an atmospheric pollution indicator? तो एटमोस्फेयर का पॉल्यूशन इंडिकेटर अभी हमने पढ़ा था, वाटर का पॉल्यूशन इंडिकेटर इकोलाई, राइट? तो अब हमें एटमोस्फेयर का पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो एटमोस्फेयर में अगर ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए क्या सबसे बढ़िया इंडिकेटर्स हैं? हमने लोअर क्लास में पढ़ा है लाइकन्स। लाइकन्स किसी भी एटमोस्फेरिकली पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं होते। तो अगर आपके एरिया में लाइकन्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है तो इसका मतलब पॉल्यूशन जो है एटमोस्फेयर में ज्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्रेंस एनेटमी अकर्स इन लीव, स्टेम, फ्लावर और सीड। जो क्रेंस एनेटमी हो या रेथ एनेटमी है, जो कि आप देख रहे हैं रेथ एक जो है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स होता है, तो वो किस में मिलता है? दे आर फाउंड इन द C4 प्लांट के लीव्स में, ठीक है? तो यानी क्रेंस एनेटमी सीन इन द लीव्स, ठीक है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोलॉजी? आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरमिट्स। देखिए होमोलॉजी क्या होते हैं? होमोलॉजी जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक स्केलेटन है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पर्पसेस वो मॉडिफाई होता है। यानी स्केलेटन सेम है बट अगर उसके जो पर्पस हैं, यूज है, वो डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट शेप लेना शुरू कर देता है, तो वो कहलाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉजी। और उसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बोगनवेलिया एंड कुकरमिट्स। बोगनवेलिया में क्या होता है, ये जो थॉर्न्स है ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, जबकि ये जो टेंड्रिल्स इन द बोगनवेलिया जो हैं, कुकरमिट्स जो हैं, ये भी एक मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरमिट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन माइक्रो प्रोपोगेशन इज, पहले समझते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन एक मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी प्रोजनी ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सेलेक्टेड स्टॉक प्लांट। अब ये जो स्टॉक प्लांट हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये स्टॉक प्लांट हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या फिर एक्जॉटिक वैरायटी ऑफ अ प्लांट, या फिर एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है? अब जो कैलस फॉर्मेशन जो होता है वो इंड्यूस किया जाता है साइटोकाइनिन से, जबकि जो डिफरेंशिएशन उसके लिए जरूरी होता है एक रेशियो ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। स्पेशली ऑक्सिन जो है इट इंड्यूसेस रूट ग्रोथ इन माइक्रो प्रोपोगेशन शूट्स। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑक्सिन। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग प्लांट्स आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, पेरेनकाइमा या प्रोजनकाइमा। देखिए प्लांट्स जो हैं उनमें बोन्स तो होती नहीं है स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए, तो वो कैसे खड़े होते हैं? इसके लिए दे हैव स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स होती हैं दैट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। दे आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, ट्रीज एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम? बनाना, मैंगो, टोमेटो या यूकेलिप्टस। देखिए द करेक्ट आंसर इज बनाना प्लांट। बनाना जो है एक मोनोकार्पिक प्लांट है, दैट मींस इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, और इसीलिए इसके अंदर फ्लावर्स भी एक ही बार आएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ कैटल? आयरशर, गगूस, कड़कनाथ या स्कैम्पी। देखिए आयरशर जो है इट्स अ काउ ब्रीड, जबकि स्कॉटलैंड गगूस एंड कड़कनाथ दीज आर द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, और स्कैम्पी जो है एक फिश ब्रीड है। तो जो कैटल है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरशर, ठीक है? तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मराइन फिश? रोहू, हिल्सा, कटला या कॉमन कार्प। चलिए हिल्सा, सार्डीन्स, मैकरल या पॉम्फ्रेट्स, ये जो होती है ये मराइन फिशेस होती है, जबकि कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प ये होती है फ्रेश वाटर फिशेस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू, दैट मींस हिल्सा। द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलप्स फ्रॉम मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मेटानेफ्रिक डक्ट। देखिए जो वुल्फियन डक्ट है जिसको के हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, दीज आर द पेयर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो क्या बनाते हैं? इंटरनल मेल जेनिटेलिया। जबकि जो मुलेरियन डक्ट है जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं?
फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वुल्फियन डक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग ऊसाइट्स, क्यूमुलस ऊफरस, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना या जोना पेलिसुडा। देखिए जो जोना पेलिसुडा होती है, दिस इज अ नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर विच सराउंड्स द ओवम, यानी कि जोना पेलिसुडा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सबेशियस ग्लैंड सीक्रेट थ्रू विच मोड ऑफ सीक्रीशन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन या साइटोक्राइन। इसके एक काम करते हैं, इसके सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मीसोक्राइन जो होती हैं वो फ्लूइड प्रोडक्ट को रिलीज करती हैं, और इसके एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और स्वेट ग्लैंड्स, तीनों में ही फ्लूइड निकलता है। एपोक्राइन जो होती हैं वो सेलुलर प्रोडक्ट्स को रिलीज करती हैं, दे आर द पोर्शन ऑफ द सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड यानी ईयरवैक्स। जबकि होलोक्राइन के एग्जाम्पल हैं आपके सबेशियस ग्लैंड, जो कि क्या करती है, दे रिलीज द सिक्रेटरी प्रोडक्ट होल सेल्स, और इसीलिए इसमें सबेशियस ग्लैंड जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, होलोक्राइन ग्लैंड या फिर ऑप्शन 3। ठीक है, ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वी विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।